हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कौन कौन से सिस्टम है यूनिट्स के, कैसे मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है एक नॉन का एक अननोन के साथ, और मेजरमेंट करने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक स्टैंडर्ड जिसके टर्म में मेजरमेंट किया जाता है किसी भी क्वांटिटी को। तो हमने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया था, फिर हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी के यूनिट्स को ड्राइव यूनिट्स कहते हैं, और हमें बस फंडामेंटल यूनिट्स को सेटअप करना है। फंडामेंटल यूनिट्स को जो ही हम सेटअप कर लेंगे, ड्राइव यूनिट्स हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। इसके बाद हमने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अलग अलग समय में अलग अलग देश वालों ने क्या किया, अपना अपना सिस्टम बनाया। जैसे कि फ्रांस वालों ने दो दो सिस्टम बनाए, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और ब्रिटेन वालों ने भी एक सिस्टम बनाया जिसे एफपीएस सिस्टम कहा जाता है। उन दोनों उन तीनों सिस्टम में एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में तीन तीन फंडामेंटल क्वांटिटी थी, लेंथ, मास और टाइम। और हम जानते हैं कि आज के समय में हम इस्तेमाल करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ जाता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सात यही है, और सात फंडामेंटल क्वांटिटी और दो सप्लीमेंट्री है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उनके अगर रिस्पेक्टिव यूनिट्स की बात करें तो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, ये सारा था। और इसके बाद जो है सारे के सारे ड्राइव यूनिट्स तो खुद ब खुद हो जाएंगे। जैसे कि एरिया का यूनिट निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ भी मीटर, ब्रेड्थ भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, एकदम सिंपल है। तो ड्राइव यूनिट्स की कोई बात करनी ही नहीं है। तो इतनी तक हमने बात बैक लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने इतनी तक बात खत्म कर ली थी। आज हमने क्या देखेंगे, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के बाद आपको मिलता क्या है, एक मेजर्ड वैल्यू मिलता है ना, जैसे कि आप कहते हैं मैग्नीट्यूड। मेजर्ड वैल्यू को आप क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर आप मेजर कीजिएगा और मेजर्ड वैल्यू मैग्नीट्यूड जो मिलेगा, किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है या मेजर्ड वैल्यू होता है वो आता है एन और यू के टर्म्स में, आता है ना। हमने बैक प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी एन यू के टर्म्स में, जहां एन क्या है, एन है, एन कहलाता है न्यूमेरिकल वैल्यू, याद होगा आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू है क्या, यू है यूनिट, यू है यूनिट, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के टर्म में आपको मैग्नीट्यूड मिलता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए आप देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड है, उस रॉड को हमें मेजर करना है, उस रॉड को हमें मेजर करना है। तो मान लीजिए कि लेंथ ऑफ रॉड, हमने क्या किया, दो अलग अलग मेजर करने वाले को बनाया। मान लो कि दो व्यक्ति आए अलग अलग, एक आया चुन्नू एक आया मुन्नू। तो मान लीजिए कि चुन्नू आया, चुन्नू है ये, चुन्नू ने मेजर किया, चुन्नू ने कहा कि लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड जो है इक्वल टू है 5 मीटर। चुन्नू ने कहा कि रॉड का लेंथ कितना है, 5 मीटर। चुन्नू अपना मेजरिंग डिवाइस लेके आया और उसने मेजर किया और हमें मेजरमेंट दिया क्या, कि रॉड का लेंथ कितना है, 5 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद मुन्नू आए, हमने मुन्नू को भी बुलाया, मुन्नू भी आ गया, मुन्नू से हमने पूछा, मुन्नू ने कहा कि देखिए सर, रॉड का जो लेंथ है वो मुझे 5 मीटर नहीं आया, मुझे अलग आया। अरे अलग कैसे आया, उसने कहा सर मेरा लेंथ ऑफ रॉड जो है, मैंने जब रॉड मेजर किया तो मुझे मिला 500 सेंटीमीटर। उसने कहा कि मेरा मेजरमेंट क्या है, 500 सेंटीमीटर। चुन्नू ने क्या कहा कि मेरा मेजरमेंट कितना है, 5 मीटर। अगर आप देखें तो दोनों तो अलग अलग मेजरमेंट आ गया, एक को 5 मीटर आया, एक को 500 सेंटीमीटर आया, मेजर किया दोनों ने एक ही रॉड को, लेकिन लेंथ अलग अलग बता रहा है। लेकिन आप ये बात समझ रहे हैं कि दोनों अलग अलग नहीं है, एक का अगर आप एक में देखें, पहले चुन्नू ने जब मेजर किया उसे 5 न्यूमेरिकल वैल्यू कितना मिला, 5। यहां पर एन का वैल्यू कितना है, 5, और यू क्या है, मीटर। और जो मुन्नू है उसने क्या किया, उसने उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 500, और यू इसका क्या है, सेंटीमीटर।
यानी कि एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर किया जाएगा तो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, आप यूनिट कोई भी इस्तेमाल करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एन और यू का जो ये प्रोडक्ट है, ये जो एन और यू का प्रोडक्ट है, ये एन और यू तो कांस्टेंट है ना बाबू, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आपके अलग अलग यूनिट यूज करने की वजह से या अलग अलग सिस्टम यूज करने की वजह से बदल तो नहीं जाएगा, रॉड का लेंथ जो है वही रहेगा ना। आप उसको मीटर से मेजर कीजिए, सेंटीमीटर से मेजर कीजिए, फुट से मेजर कीजिए, आप अपने उंगली से मेजर कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, रॉड जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, रॉड का लेंथ ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, यूनिट से क्या फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है। तो यानी एन और यू ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एन यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो एन यू रहेगा कांस्टेंट। हाँ, लेकिन ये बात है, अगर आप यू बड़ा यूज कीजिएगा तो एन छोटा हो जाएगा, अगर आप एन को, अगर आप यू को क्या कीजिएगा, अगर आप यू को बड़ा लीजिएगा तो एन छोटा हो जाएगा, या अगर आप यू को छोटा लीजिएगा तो एन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप यहां देखिए, इतना तो कॉमन सेंस है हमारे पास मीटर सेंटीमीटर में, तो चुन्नू ने क्या किया, यूनिट के लिए मीटर इस्तेमाल किया, तो मीटर इस्तेमाल किया तो मीटर इज अ बिगर यूनिट एज कंपेयर टू सेंटीमीटर, मीटर इज अ बिगर यूनिट एज कंपेयर टू सेंटीमीटर, इसीलिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मात्र 5 आया, क्योंकि इसने यूनिट बड़ा इस्तेमाल किया ना। और मुन्नू ने क्या किया, मुन्नू ने सेंटीमीटर यूज किया जो कि एक छोटा यूनिट था, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आ गया। यानी मेजरमेंट करने हम जब जाएंगे तो हम अगर बड़ा यूनिट लेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आएगा, और अगर हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आएगा, समझ गए। यानी एन और यू का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है, वो हमारे यूनिट चेंज करने से बदलता नहीं है। तो ये टर्म आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, अब कोई आदमी है, इसको हम इरेज करते हैं, तो ये आप ये याद रखने की चीज है कि मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट होता है, ये एक कंसेप्ट हुआ। और सेकेंड ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो आप किसी भी सिस्टम का यूज कीजिए, कुछ भी आप चेंज कर दीजिए, उससे वो मैग्नीट्यूड बदलने वाला नहीं है। ओके, ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हम लोग। तो अब देखिए, अब अगर हम देखें यहां से, तो यही चुन्नू मुन्नू को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि चुन्नू है और मुन्नू है, चुन्नू है और मुन्नू है, ये हमारा पूरे फिजिक्स लेक्चर में हमारे साथ चलेगा, चुन्नू और मुन्नू हमारे काम आएगा, चलिए समझने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए चुन्नू है, चुन्नू मेजर कर रहा है, तो चुन्नू क्या कर रहा है, एक यूनिट U1 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, और मुन्नू क्या कर रहा है, U2 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, यानी दोनों अलग अलग यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, दोनों का क्वांटिटी सेम है, ये अगर लेंथ मेजर कर रहा है तो ये भी लेंथ मेजर कर रहा है, ये मास मेजर कर रहा है तो ये भी मास मेजर कर रहा है, तो दोनों एक यूनिट N1 इस्तेमाल कर रहा है, एक U2, एक U1 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, एक U2 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। तो एक बात बताओ, जब अलग अलग यूनिट इस्तेमाल करेगा तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग अलग आएगा, बिल्कुल है आएगा। तो इसको क्या मिलेगा, N1 मिलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या दोनों सेम ही चीज को मेजर कर रहा है, कर रहा है ना, तो दोनों अगर सेम चीज को मेजर कर रहा है तो N1 U1 बराबर हो जाएगा किसके, N2 U2 के। यानी अगर आप एक क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में ले जाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा कन्वर्ट करने में, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। इसका यूज करके आप एक किसी भी क्वांटिटी को किसी भी सिस्टम में, जो एक सिस्टम में मेजरमेंट किया हुआ है उसे आप दूसरे सिस्टम में ले जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। अब देखिए, मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि एक बात बताओ कि कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, मान लो कि हमें दिया कि 500 या 5000 मीटर इज इक्वल टू इतना किलोमीटर, कन्वर्ट करना है हमें। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, हम लोग तो बचपन से करते आ रहे हैं, मीटर को किलोमीटर बना देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे किलोमीटर बन जाएगा, आपने यही सीखा ना। लेकिन लेकिन यहां पर अगर आप जाने तो यहां पर क्या नहीं है, दोनों तरफ यूनिट दिया हुआ है, देखिए यहां मीटर यहां किलोमीटर, अलग अलग यूनिट, तो यहां न्यूमेरिकल वैल्यू गैप है, तो उसे आप क्या कर लीजिए, उसे मान लीजिए कि एक्स है। देखिए यहाँ इजी है तब ना आप आराम से समझ रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट में आप आराम से समझ रहे हैं, सर इतना एक्स उक्स मांगने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लीजिए सर 1000 से भागा कीजिए 5 वैल्यू आ जाएगा। तो मैं भी जानता हूँ एक्स बराबर कितना आ जाएगा,
500 मीटर अपॉन एक्स के जहां पे जाएगा किलोमीटर, मीटर मीटर गया, और किलोमीटर आप जानते हैं कि एक ऐसा प्रीफिक्स है। ओके, अगर नहीं भी जानते तो हम कुछ देर में ऐसे प्रीफिक्स सारे के सारे लिखाने वाले हैं जो आपके काम आएगा। तो मान लीजिए कि ये के का वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है। के है एक ऐसा प्रीफिक्स, किलो एक ऐसा प्रीफिक्स है जिसका वैल्यू 1000 होता है। तो यहां कट कर दीजिए, दैट इक्वल टू 5 आ गया, यानी एक्स का वैल्यू 5 आ गया, यानी कि 5 आ जाएगा। अब आपको सर इतना करने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट कर लेते, यहां ना डायरेक्ट कर लेते, कहीं कहीं पर काम आता है, कहीं कहीं पर इसका यूजेज होता है। जब ड्राइव यूनिट में खास करके जाइएगा तो वहां पर आपको फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम ऐसे प्रीफिक्स की ओर चलेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा देखिए, अब निकाल के देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चों को यह भी याद होगा, लेकिन अगर निकालने जाओगे तो सिस्टम क्या है, वही सिस्टम है जो यहां हमने यूज किया, N1U1 = N2U2। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे इसके सॉल्यूशन में 1 मीटर क्यूब = x सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। ठीक है, x निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर क्यूब अपॉन x अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये इधर आ जाएगा। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 रहने दीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू को, इसको मीटर बाय सेंटीमीटर कीजिए और होल पावर में क्यूब कर दीजिए। होल पावर में आपने क्यूब कर दिया तो अब क्या हो गया, 1 के जगह 1 रहा, मीटर मीटर छम उड़ जाएगा, नीचे सेंटी बच गया, तो 1 बाय सेंटी का वैल्यू 10^-2 होता, नहीं पता तो हम कुछ देर में आने वाले, इसका होल पावर 3 है, तो डैट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 × 10^-2 माइनस पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 उसमें आके 10^2 का पावर 3 हो जाएगा, डेट इक्वल टू 10^6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 10^6 आ गया। और x का वैल्यू 10^6 आने का मतलब है, यहां हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^6 cm³। कितना इजी वे में हमने निकाल लिया, कन्वर्ट कर लिया एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। अब आपको भी दूसरा सिस्टम के, हाँ तो ये SI था, ये CGS है, ये MKS था, ये CGS, कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो कन्वर्जन के लिए हमारा ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, N1U1 = N2U2, और ये आपको आते रहना चाहिए बाबू, क्योंकि जो ही आप, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी आप जो भी हैं, अब अभी बस ट्रेलर चल रहा है, जैसे किसी मूवी का ट्रेलर आता है ना, जिस मूवी के ट्रेलर में आता है कि हाँ ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, हाँ सलमान खान है इस मूवी में, सलमान खान का क्या रोल है, वो तो आप मूवी जब देखेंगे तभी पता चलेगा सलमान खान अंदर में क्या किया है, लेकिन ट्रेलर में आपको ये दिख जाता है कि भाई ये है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तभी वही चीज है, इंट्रोड्यूस हो रही है। और कन्वर्जन आपको आना चाहिए, कन्वर्जन इसलिए आना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है, डाटा जो आपको दिया जाता है, फिजिक्स का सवाल जो बनता है, न्यूमेरिकल बनाने में यही प्रॉब्लम होती है कि जो डाटा दिया रहता है वो किसी और सिस्टम में दिया रहता है, और आपको डाटा चाहिए SI में, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज बनाए गए फिजिक्स की दुनिया में सारे के सारे क्या है, SI में है। तो SI में यूज करना है आपको, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो SI में निकाले गए, तो SI में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, किसी भी में भी डाटा दिया रहे उसे SI में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और कन्वर्ट कैसे करोगे, कन्वर्जन आता रहेगा तभी कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, और कन्वर्जन के लिए यही है रामबाण, यही है मेन फॉर्मूला, N1 = U1 = N2U2। दोनों यूनिट के बीच का रिलेशन आपको पता, जैसे हमें पता होना चाहिए मीटर किलोमीटर में क्या रिलेशन है, मीटर फीट में क्या रिलेशन है, मास पाउंड में क्या रिलेशन है, तो वो सारे रिलेशन के चार्ट आपको आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कि सारे यूनिट्स के बीच के रिलेशन दिखाएगा। कन्वर्जन फैक्टर का PDF अवेलेबल है और SI प्रीफिक्स के सारे PDF अवेलेबल है। आज हम लोग यूनिट क्लियर कर रहे हैं, नेक्स्ट डे हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, तो ये आपको आते रहना चाहिए। तो आई विश आप कन्वर्ट कर लेंगे, ओके ठीक, इसको हम लोग इरेज करते तो इरेज कर देते। तो हमेशा याद रखिए, मेजरमेंट किसी भी सिस्टम में किया जाए उसका NU और U, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का क्या होगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। यूनिट बड़ा करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, यूनिट छोटा करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। अलग अलग आदमी अगर अलग अलग सिस्टम में सेम चीज को मेजर करेगा तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, यूजेज करते हैं। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े हम लोग, तो अब देखिए, अब आप याद कीजिए, जब हमने यूनिट इंट्रोड्यूस किया था तो हमने बात की थी कि जो यूनिट होना चाहिए उसका जो साइज होना चाहिए ना, वो प्रैक्टिकल साइज होना चाहिए, यानी कि सुटेबल साइज होना चाहिए। साइज ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए, SI वालों ने 7 यूनिट्स डिफाइन तो कर दिए, लेंथ के लिए मीटर डिफाइन कर दिया, मीटर कितना बड़ा है, लगभग इतना बड़ा है,
अब इसका यूज करके अगर हमें अर्थ का रेडियस मेजर करना हो, इसका यूज करके अर्थ का रेडियस मेजर करने जाओगे, तो अर्थ का रेडियस अगर मीटर के टर्म में मेजर करने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हमने मेजर किया तो रेडियस ऑफ अर्थ आपका आ जाएगा बाबू, रेडियस ऑफ अर्थ आपको आ जाएगा 640000 मीटर। देखिए कितना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट हमारा मीटर था। हम क्या चाहते हैं, हम इतना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना नहीं चाहते हैं, फिजिक्स इतना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना नहीं चाहता है। अब आपको क्यों नहीं लिखना चाहता सर, इसलिए नहीं लिखना चाहता बाबू कि बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने में इरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, गलती होने की संभावना अधिक होती है। जीरो 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 लिखते चले जा रहे हैं, एक बढ़ भी सकता है, एक घट भी सकता है, इरर जल्दी हो सकता है ना, इरर इन मेजरमेंट एक चॉप टॉपिक है हमारा, इसी के टर्म में चलते चलते हम इरर इन मेजरमेंट भी करेंगे और बेटर ढंग से करेंगे, ठीक है ना। तो इरर है, तो इरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा से छोटा रहे, और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग भी है, इतना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना टाइम कंज्यूमिंग है ना, कॉपी ज्यादा खर्चा करेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ऐसा ही वालों ने कहा कि देखो ऐसा, अब ऐसा वाले अब ऐसा तो नहीं है कि छोटे साइज के लिए अलग यूनिट, अब बड़े वालों के लिए अलग यूनिट। अगर इस प्रॉब्लम से निपटना है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा करना है, तभी हमने तुरंत देखा कि हमें यूनिट को बड़ा करना होगा, यूनिट को बड़ा करो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, सिंपल। लेकिन यूनिट को बड़ा कैसे करें, क्या करें, दो दो यूनिट बनाए, तीन तीन यूनिट बनाए कि छोटे के लिए अलग, बड़े के लिए अलग, बहुत छोटे के लिए एक और, बहुत छोटे के लिए मेजर करके देखो ना, बहुत छोटे के लिए। जैसे मान लो कि अगर हमसे कोई कहे कि देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस का रेडियस मेजर करने के लिए दे दे, तो आप जानते हैं 10^-14 मीटर के रेंज में होता है, तो ये हो जाएगा क्या, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मीटर। अब देखो यहां पर, अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना छोटा हुआ। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे 0.12345678910111213 14 मीटर। क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, यहां क्या हुआ, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत छोटा हो गया, क्योंकि हमारा यूनिट साइज में बड़ा था, सुटेबल साइज नहीं बैठा, एक जगह हमारा यूनिट छोटा पड़ रहा है, एक जगह हमारा वही यूनिट बड़ा पड़ रहा है। तो ऐसे वालों ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि बहुत छोटे मेजरमेंट या बहुत बड़े मेजरमेंट, इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रीफिक्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए। क्या इंट्रोड्यूस कर दिए, प्रीफिक्सेज, प्रीफिक्स सुने होंगे आप, प्रीफिक्स वो होता है जो किसी, अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में, तो प्रीफिक्स कहा जाता है कि एक ऐसा लेटर होता है जो किसी वर्ड के पहले लगता है और उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। आप जानते होंगे जैसे जाए और उसमें लगा दिया अ, तो अजाय चेंज हो गया ना, मीनिंग चेंज हो गया, जाए मतलब था कि जिसे जीत सकते हैं, अजाय मतलब जिसको कोई नहीं जीत सकता, मीनिंग चेंज हो गया ना। तो ऐसा है वालों ने भी क्या किया, प्रीफिक्सेज इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसे वालों में ने भी क्या किया, प्रीफिक्सेज इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि इस यूनिट को सिचुएशन के हिसाब से हम बड़ा या छोटा कर सके। जब हमें बड़ा करना होगा यूनिट को, हम प्रीफिक्सेज का इस्तेमाल करके उसको बड़ा कर देंगे, जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा रहे, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा रखना चाहते हैं, जिससे कि क्या हो, इरर ना हो और टाइम कम लगे। तो जब हमें बड़ा यूनिट चाहिए होगा तो हम बड़ा यूनिट इस्तेमाल कर लेंगे, जब हमें छोटा चाहिए होगा हम छोटा यूनिट इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अलग अलग यूनिट नहीं होगा, यूनिट सेम रहेगा, बस यूनिट में हम एक प्रीफिक्स लगा देंगे, एक प्रीफिक्स लगाएंगे, यूनिट का साइज बड़ा हो जाएगा या यूनिट का साइज छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अब देखिए जरा, हम समझते हैं, जैसे कोई आदमी मीटर का इस्तेमाल कर रहा था, हमने उसे कहा कि भाई तुम मीटर यूज कर रहे हो ना, उसने कहा हाँ, कितना बड़ा लेंथ है, उसने कहा इतना बड़ा, हमने कहा कि बस एक काम करो, इसके पीछे में एक स्मॉल के लगा दो, ये वन था न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी भी वन ही है, पहले वन मीटर था, अब हमने उसके पीछे एक छोटा सा के, नन्हा मुन्ना के लगा दिया। अब आप जानते हैं क्या हुआ, ये यूनिट 1000 टाइम बिगड़ हो गया, एक के यूज करने से जो यूनिट इतना बड़ा था उसका 1000 गुना बड़ा हो गया, यूनिट बड़ा हो गया ना, मीटर तो वही है, मीटर लेंथ यूनिट अभी भी है मीटर, हमने क्या किया, एक के लगाया, हमने एक किलो लगाया, ये किलो क्या है, किलो ने क्या किया, किलो ने
यूनिट के साइज को बड़ा कर दिया। तो किलो क्या है? एक ऐसा है प्रीफिक्स है जो यूनिट के साइज को चेंज कर रहा है। ओके, उसी मीटर में मान लीजिए कि एक मीटर था, उसी मीटर में एक मीटर को लिख रहा था वन मीटर, और उसी में किसी ने क्या किया, एक स्मॉल एम और लगा दिया, तो ये आप जानते हैं मिलीमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 0.001 मीटर। देखिए 1000 टाइम्स स्मॉलर हो गया, यानी एक मिली लगाने से वही यूनिट क्या हो जा रहा है, 1000 टाइम स्मॉलर हो रहा है, और वही के लगाने से वही यूनिट 1000 टाइम बिगर हो जा रहा है। तो एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं हम यूनिट को सिचुएशन के हिसाब से बड़ा या छोटा करने के लिए। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो कौन कौन से हैं प्रीफिक्सेस, ऐसे कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं जिसको हमें यूज करना है, तो वो प्रीफिक्सेज हम आपको चार्ट में भी मिल जाएगा। आप देखिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वैसे मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं, ठीक है। तो बोर्ड पे भी मैं ऐसे प्रीफिक्सेज, देखिए ऐसे प्रीफिक्सेज हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रीफिक्स हैं, ठीक है। ओके, तो लिखते हैं हम लोग। तो ये है हमारे एसआई प्रीफिक्सेज, देख लीजिए सारे ऐसे प्रीफिक्सेज यहां दिख रहे हैं। देखिए दो तरह के दिख रहे हैं, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स वो है जो यूनिट को बड़ा करने के काम आएगा, जो यूनिट के साइज को बड़ा बनाएगा। मतलब जब हमें बड़े मेजरमेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स यूज करेंगे, और जब छोटा करना होगा तो सब मल्टीपल्स यूज करेंगे। अब लिख लीजिए, पहले पॉज करके सारे को लिख लीजिए। ओके, तो आपने लिख लिया होगा, तो सारे के सारे मल्टीपल्स जो है वो बड़ा करने के काम आएंगे, और जो सब मल्टीपल्स होंगे वो छोटा करने के काम आएंगे। तो जब भी आपको देखिए यहाँ पावर सब निगेटिव, जैसे मैं पढ़ के सुना देता हूं, सबसे पहले अगर मल्टीपल्स में देखें तो सबसे पहले है डेका, डेका जो कि 10 टाइम्स बिगर करेगा, 10^1 के टर्म में, तो 10 टाइम्स बिगर करेगा। इसका सिंबल डीए है, हेक्टो सिंबल एच 10^2, किलो स्मॉल के, किलो में स्मॉल के होता है, ये ध्यान रखिएगा। कितने व्यक्ति किलो केजी लिखते वक्त के कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल के केल्विन का नोटेशन है, किलो का नोटेशन स्मॉल के ही है, तो स्मॉल के 10^3, मेगा नोटेशन है कैपिटल एम, पावर 10^6 हो जाएगा 6, गीगा कैपिटल जी 10^9, टेरा कैपिटल टी 10^12, पेटा कैपिटल पी 10^15, एक्सा कैपिटल ई 10^18, डेसी सिंबल स्मॉल डी पावर 10^-1, सेंटी स्मॉल सी 10^-2, मिली स्मॉल एम -3, माइक्रो का -6, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, नैनो का एन -9, पिको का क्या स्मॉल पी -12। देखिए पी दो दो बार आ गया, मल्टीपल्स में भी पी है पेट्टा में, और सब मल्टीपल्स में भी पी है पिको में, लेकिन ये पी स्मॉलर पी है और ये कैपिटल लेटर पी है। तो पिको का पी -12, फेमटो एफ -15, एटो ए -18, इतने सारे प्रीफिक्सेज एसआई ने इंट्रोड्यूस किए। इसके बाद भी है योटो जोटो एंड योक्टो जोक्टो, वो सब नहीं देखना है हमें, इतने काम आएंगे, हम छोटे छोटे करते हैं। अब पता है ना हम लोग को कहां पहुंचना है जल्दी से काइनेमेटिक्स तक। तो ये सारे पावर्स हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर ये दिखे आप कन्वर्ट करना सीख सकते हैं, आप इस मल्टीपल को लगा सकते हैं और उसे हटा सकते हैं, ठीक है। जब आपको कहीं पर मेजरमेंट करने जाना होगा तो कई बार ऐसा होगा कि आपको मल्टीपल्स लगाना होगा, प्रीफिक्सेज लगाना होगा, कई बार ऐसा होगा कि प्रीफिक्सेज हटाना होगा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी प्रीफिक्सेज हम यूनिट में लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो पावर है, उसका जो वैल्यू है, उस प्रीफिक्स का जो वैल्यू है उससे उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे किलो लगाना है ना, तो किलो के वैल्यू से उसमें डिवाइड करना है, समझ गए, किलो के वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड करना है, और जब हटाना है तो किलो के वैल्यू से उसमें गुना करना है। जैसे आप वैसे समझे, जैसे मान लो 5000 मीटर, 5000 मीटर में हम किलो लगाना चाहते हैं, तो किलो लगाना है ना, तो 1000 से भागा होगा, किलो का वैल्यू 1000 है तो 1000 से भागा हो जाएगा। किलो लगाना है तो उसके वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5000 में 1000 से भागा करो तो 5 किलोमीटर आ गया ना, सिंपल। और जब किलो हटाना होगा तो उसके वैल्यू से उसमें गुना करेंगे, जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है 10 kg, हम अब क्या करना है, के हटाना है, तो के हटाओगे तो 1000 से गुना करोगे तो 10000 ग्राम, ओके ना। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं, वो तो फॉर्मूला है ही N1U1 = N2U2, लेकिन अगर मान लो कि अगर फंडामेंटल यूनिट के टर्म में है और आपको हटाना लगाना है, तो याद रखिएगा हटाओ तो गुना और लगाओ तो भागा,
हाँ एक टर्म है, याद रख सकते हैं, हटाओ तो गुना, यानी कि प्रीफिक्स हटाते वक्त उसके वैल्यू से गुना, हटाओ तो गुना और लगाओ तो भागा। ओके, तो प्रीफिक्सेज आप यूज कर सकते हैं, ये सारे ऐसा है प्रीफिक्सेज हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, समझ गए। अब कन्वर्जन पे हम कुछ बातें डायमेंशन में भी करेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करने वाले हैं, तो उसमें भी हमें समझ में आएगा। तो ऐसे प्रीफिक्सेज आपको समझ में आ गए, कन्वर्जन का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या क्या फॉर्मूला है, तो ये सारी बातें थी यूनिट से रिलेटेड। तो यूनिट से रिलेटेड हमने लगभग लगभग सारी बातें कर ली। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं दुनिया में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स में जैसे कि एंगस्ट्रम एक यूनिट है जो कि एटॉमिक साइज मेजर करने के लिए किया जाता है, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10^-10 मीटर, या फर्मी होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, 1 फर्मी बराबर 10^-15 मीटर। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, लाइट ईयर होता है, पार्सेक होता है, वो सारी चीजें आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक देखिए दिया गया है सीट, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, सारे समझ में आ जाएंगे। कोई भी डॉट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डॉट करके पूछिएगा। तो यूनिट्स क्लियर है। देखिए यूनिट्स लिखने के कुछ कुछ रूल्स भी होते हैं, ऐसे वालों ने कुछ रूल्स बताए हैं यूनिट लिखने के जो कि यहां नहीं दिया गया है या बुक में नहीं है, लेकिन वो आपको आने चाहिए, क्योंकि यूनिट आप सही सही नहीं लिखेंगे तो फिर लगेगा क्या कि मतलब बच्चे को फिजिक्स आता ही नहीं है। तो यूनिट लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मैं कुछ कुछ बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे जनरली गलती करते हैं। 4-5 रूल है, उसे बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन 4-5 रूल आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला रूल तो ये याद रखिएगा कि यूनिट जब भी पूरा लिखिएगा तो हमेशा स्मॉलर लेटर में ही लिखिएगा, बस वो साइंटिस्ट के नाम पर ना हो। क्या कहने का मतलब है समझ लीजिए, जैसे आप मीटर लिखना है ना तो आप स्मॉल METER लिखेंगे, स्मॉल m से स्टार्ट करेंगे, यानी जब पूरा मीटर लिखेंगे तो वो जो लेट होगा वो पूरा क्या होगा, स्मॉलर ही होगा। जब पूरा लिखोगे तो स्मॉलर ही होगा, चाहे कुछ भी हो यूनिट, कुछ भी हो पूरा लिखोगे नाम, जब भी यूनिट को पूरा लिखोगे तो स्मॉलर लेटर में होगा। न्यूटन भी लिखोगे तो स्मॉल NEWTON लिखोगे, एम्पियर लिखोगे स्मॉल AMPER लिखोगे, वोल्ट लिखोगे स्मॉल VOLT वोल्ट लिखोगे। कई जगह पर क्या देखना कैपिटल VOLT वोल्ट लिख देता बच्चा, तो आप कहेंगे सर इससे क्या हो गया। देखिए इससे क्या होता है ना, पता चलता है कि आपको कॉमन सेंस कितना है, आप कितने बढ़िया से फिजिक्स समझ रहे हैं। तो यूनिट लिखते वक्त जब भी यूनिट का पूरा फॉर्म लिखोगे, पूरा लिखोगे तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा स्मॉल लेटर पूरा जब भी लिखोगे स्मॉल लेटर। ओके ठीक है, तो ये तो पहला बात हो गया। अब सिंबल्स की बात करते हैं, यूनिट का सिंबल होता है ना, जैसे मीटर का सिंबल है एम। तो देखिए सिंबल लिखते वक्त थोड़ा सा खेल होता है, अगर वो यूनिट जनरल यूनिट है, जनरल यूनिट करने का मतलब कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो सिंबल जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, जैसे मीटर का सिंबल स्मॉल m, समझ गए, ग्राम का सिंबल स्मॉल g, ठीक, कैंडेला का सिंबल cd, स्मॉल cd, रेडियन RAD, स्मॉल RAD, समझ गए। लेकिन वही यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो और उसका सिंबल लिख रहे हैं, जैसे न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, वो एक साइंटिस्ट के नाम पे और उसका यूनिट लिख रहे हैं तो कैपिटल N, यानी जब सिंबल किसी किसी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो और उसका सिंबल लिख रहे हो तो सिंबल लिखते वक्त लेटर क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। बोल्ट का सिंबल कैपिटल V, एम्पियर का सिंबल कैपिटल A, कई जगह पे देखना एम्पियर का स्मॉल AMP लिख दिया जाता है, गलत है, एम्पियर का सिंबल होगा कैपिटल A, केल्विन कैपिटल K, सिंबल देख रहे हो कैपिटल हो रहा है, क्यों कैपिटल हो रहा है, क्योंकि किसी साइंटिस्ट के नाम पे, तो साइंटिस्ट के नाम पे जब यूनिट होता है तो पूरा लिखते हैं तब तो स्मॉल ही लिखते हैं, लेकिन जब सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल कर देते हैं, ध्यान रखना इतना तो रख सकते हो, ठीक। चलो बहुत अच्छे, पहला मैंने बताया कि पूरा जब भी लिखना है तो स्मॉल में ही लिखना है, सिंबल में दो तरह का खेल हो गया, जनरल यूनिट है किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो स्मॉल लेटर में होगा, और अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो कैपिटल लेटर में चलने लगेगा। ओके, एक चीज और कंफ्यूजन होता है, देखिए मीटर का भी स्मॉल है, अब मिली का भी स्मॉल है, बच्चा कंफ्यूज होता है कहां मीटर कहां मिली, कहां मीटर कहां मिली। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ऐसे वालों ने कहा कि देखो बेटा स्मॉल m अगर यूनिट के लास्ट में है तो वो पक्का मीटर है, अगर लास्ट में है तो मीटर है, और अगर पहले है तो वो क्या है, मिली है। जैसे mg, mg मिलीग्राम, gm ग्राम मीटर, कितना आप कहेंगे सर gm भी तो ग्राम ही होता है, नहीं, ग्राम का सिंबल g है, gm लिख देता है लोग, लेकिन वो गलत है, लोग देखा 10 gm ग्राम, केमिस्ट्री वाले ये सब करते हैं, केमिस्ट्री का मजाक नहीं उड़ा, लेकिन केमिस्ट्री वाले लिखते हैं जीएम लिख देता है, जीएम ग्राम नहीं है, सिर्फ जी ही ग्राम है,
गए। तो जी, तो जैसे एम जी लिखा रहा तो मिलीग्राम, जी एम हो गया तो ग्राम मीटर, समझ गए। तो एम अगर यूनिट के पहले है तो वो मिली है, अब बाद में है तो मीटर है। ओके चलिए, तो ये कंफ्यूजन होता है तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और, यूनिट हमेशा सिंगुलर होता है, कभी प्लुरल नहीं होता। 10 मीटर्स, नो, 10 मीटर, 5 मीटर, लोग लिख देगा 10 किलोग्राम्स पोटैटो, 10 किलोग्राम्स पोटैटो, नो, यूनिट हमेशा सिंगुलर, 10 किलोग्राम पोटैटो। यूनिट को कभी प्लुरल में नहीं ले जाना, एसईएस का खेल वहां मत शुरू कर देना। तो ये कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग से जो यूनिट लिखते वक्त आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारा यूनिट का खेल था। इसमें और भी बहुत सी बातें की जा सकती थी, लेकिन जितनी बातें हमने की है उतनी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट डे से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल सुबह जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। आज से आपको इवनिंग में भी एक लेक्चर मिलेगा, जो लेक्चर होगा ट्रिगोनोमेट्री और वेक्टर का। इस टॉपिक में जो मॉर्निंग वाले सेशन में आपको डेली जो वीडियो मिल रहा है उसमें ये कंटिन्यू चलता रहेगा, यूनिट डायमेंशन चल रहा है, उसके बाद इसमें यूनिट डायमेंशन करने के बाद हम लोग कैलकुलस में चले जाएंगे, फिर होगा तो इरर भी कर लेंगे, इरर इन मेजरमेंट भी कर लेंगे। और इवनिंग वाला सेशन जो होगा वो कंटिन्यू चलेगा, पहले वैक्टर और वैक्टर के बाद उसमें पहले ट्रिगोनोमेट्री, फिर वैक्टर, वैक्टर के बाद कैनामेटिक्स, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये जब खत्म हो जाएगा तो मॉर्निंग वाला सेशन बंद हो जाएगा, तब सिर्फ इवनिंग वाला सेशन चलता रहेगा। ओके क्योंकि इस बीच में थोड़ा डिलेड हुआ है, आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि कब वीडियो आएगा, कब वीडियो आएगा। तो अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ओके थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।